नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो चले दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, ठीक है, इंडियन स्टाइल का पास्ता। तो दोस्तों, मैंने ये कटिंग किया है, मैंने तो करीबन 100 ग्राम लेटुस लिया है और ये 25 ग्राम ग्रीन चिल्ली लिया है और दो दो ग्राम मैंने जिंजर गार्लिक लिया है चौफ, और 200 ग्राम मैंने टमाटो लिया है, ठीक है दोस्तों। तो हम पास्ता बनाते हैं, क्योंकि मेरे को कमेंट में लिखा था किसी ने, यार पास्ता पुस्ता भी बनाओ थोड़ा सा, तो मैंने ये पास्ता लाया हूँ। तो चले हम पास्ता बनाते हैं। ये मैंने पास्ता बॉयल कर दिया है, तो मैंने पास्ता लिया है 200 ग्राम, ठीक है। तो देखते हैं पास्ता कैसा बनता है। चले अब हमने ये कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया है, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें गार्लिक जिंजर डाल देंगे, और गार्लिक जिंजर डालने के बाद इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे, और फिर चलिए बताते हैं आपको लाइव। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो लोग पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ फूड के लिए तो आपको आप तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैंने ये गार्लिक डाल दिया है, जिंजर डाल दिया है इसमें। मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगा इसको, क्योंकि पास्ता बन रहा है। और ये इसके बाद मैंने ये ऑलिव लिया है, ये ज़्यादा नहीं लेने का है, थोड़ा लेना है। डालना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालना है तो आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये मैं चिकन डाल दिया है, चिकन मैंने 200 ग्राम लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, या मटन बना सकते हो, चिकन जो भी है वेजिटेबल। मैं चिकन बना रहा हूँ, चिकन पास्ता। तो इसको अच्छी तरह मैं पहले भून लूँगा, क्योंकि बाद में जब पास्ता तो ऑलरेडी बॉयल है, तो पास्ता को ज़्यादा नहीं पकाना है। तो पास्ता को हमको खाली जो ग्रेवी मैं बनाऊँगा इसकी भी पास्ता की, उसमें खाली मिक्स करके थोड़ा सा हीट दे के छोड़ देना है। तो इसके बाद मैं टमाटो डालूँगा, और ये टमाटो को अच्छी तरह से थोड़ा सा पकने दूँगा। ये देखिए, टमाटो का छोटा छोटा क्यूब पीस करना है, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। और इसको भी थोड़ा सा स्टीम में पकाना है, मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगा थोड़ा सा पकाने के लिए इसका। इसके बाद जो है मैं मसाला डालूंगा, मसाला मैं सब कुछ डालूंगा, सारा इंडियन स्पाइसी, और कुछ भी नहीं डालूंगा। पास्ता बना रहा हूँ मैं इंडियन स्टाइल का, तो मसाला आपको उसमें इंडियन ही डालूंगा। तो मैं सारा का सारा मसाला जो है इंडियन डालने वाला हूँ इसमें, ठीक है दोस्तों। और आप बना के देखिए, सच्ची में कसम से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खा के देखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को पास्ता। तो चलिए हम इसमें जो है मसाला ऐड करते हैं। नमक आप अपना स्वाद अनुसार डालिए। तो मैंने ये ब्लैक पेपर लिया है दोस्तों, अगर तुम इसको ग्रामिंग में डाला जाए तो एक ही ग्राम है ये ब्लैक पेपर, और स्पून में डालेंगे तो एक स्पून खाने का स्पून की चौथाई डालना है इसमें, ठीक है। ये मैंने क्यूमिन पाउडर लिया है, तो करीबन न तो फुल लेना है स्पून, न आधा लेना है। तो इसको तुम 10 ग्राम क्यूमिन पकड़ो। हल्दी भी सेम एक की चौथाई डालना है, और जो मैं चिल्ली पाउडर डालूँगा तो चिल्ली पाउडर भी सेम एक की चौथाई डालना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है। ग्रीन चिल्ली भी डाला मैंने, कोरिएंडर पाउडर भी ना तो पूरा भर के स्पून लेना है। तो ये भी 10 ग्राम के हिसाब से पकड़ो आप, 10 ग्राम डालना है, और इसको अच्छा ढंग से भूनना है, ठीक है। अच्छी तरह इसको पकाना है मसाला को। ये देखो हमारा पास्ता का एक्चुअली में जो बेसिक होता है वो तैयार हो रहा है। इसको ढंग से पकाएंगे हम, और लेटुस को हम लास्ट में डालेंगे, लेटुस और ऑलिव को, क्योंकि लेटुस नमक देखिए, तुम नमक अगर आप अपना हिसाब से डालोगे तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है 10 ग्राम नमक डाला है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे अच्छा तरह से, मसाला को एकदम पकाएंगे थोड़ा, और इसके बाद हम इसमें जो है थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मसाला को पकने देंगे। तो चिकन में मेरा अभी पका नहीं है, तो थोड़ा चिकन भी पक जाएगा, तो बाद में मैंने पास्ता डालने के बाद
ये देखो पानी तो करीबन 100 ग्राम के लगभग पानी डाल देना आप, और इसको अच्छी तरह से पकाना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें प्लीज, मैं यही बोलूँगा। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पास्ता खिलाए, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं डाला, इसीलिए मैंने घर की ही चीज़ जो है इंडियन स्पाइसी ही चीज़ लिया है, मैंने कोई भी पास्ता का सॉस वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। तो मैंने यही जो घर पे हमारा अवेलेबल रहता है सब लोगों के घर में, खाली पास्ता लाना है बाहर से। और ये लेटूस की जगह पे आप पालक के पत्ते भी डाल सकते हो, राई की मूली के पत्ते भी डाल सकते हो, या नींबू भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पत्ता डालना ही डालना है, ठीक है। या कैबेज भी डाल सकते हो आप, कुछ भी डाल सकते हो। चले दोस्तों, ग्रेवी मेरी मस्त पक गई है, ये पास्ता भी एकदम फिट है। अब हम इसमें पास्ता को मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चले इसको, पास्ता को इसमें मिलाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, खाना बनाना छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है खाना बनाने के लिए। एक बोलने की वह बात है कि भाई दाल बनाओ, लेकिन दाल बनाना बहुत मुश्किल होती है अगर तुम दाल के हिसाब से दाल को बनाओगे तो। अगर उस हिसाब से बनाओगे तो कोई इजी नहीं है, दाल को बॉयल करो, उसमें नमक मिर्ची डालो, खलास दाल तैयार हो जाती है। वो बनाने का तरीका अलग अलग है। ये देखिए, ये पास्ता एकदम मस्त हो गए हैं। हमने उतने ही ग्रेवी बनाया जितना मुझे पास्ता में लगा। मैं थोड़ा देर इस पास्ता को, ग्रेवी को सुखाऊंगा और पास्ता को थोड़ा ड्राई टाइप का करूंगा, ठीक है। उस हिसाब से मैंने पास्ता बॉयल किया है। पास्ता को ज़्यादा बॉयल मत करना, बॉयल करते समय थोड़ा तेल डाल देना दोस्तों उसमें, और जब भी तुम निकालोगे तभी भी उसमें थोड़ा तेल मार देना और पूरा तरह से हिला देना, ताकि पास्ता एक दूसरे से चिपके नहीं, अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ पास्ता को। देखो किस तरह से पास्ता हो गया है तैयार, इंडियन स्टाइल पास्ता, ठीक है। ये देखिए, तो दोस्तों हम क्या कोई भी चीज़ इंडियन स्टाइल का बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते हैं। चाहे कोई भी हो, अगर तुम सुशी बोलेगा तो हम सुशी भी इंडियन स्टाइल की सुशी बना देंगे। ये देखिए, ये पास्ता का जो सॉस है, जो कंजक्शन ही होनी चाहिए, वो सब दिख रही है पास्ता में। अब हम इसमें जो है लेटुस और ओलिव्स डालेंगे, ठीक है। ओलिव्स है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये प्लेट में लिया है, ये देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें लेटुस लास्ट में डालना है और ओलिव्स भी लास्ट में डालना है, क्योंकि लेटुस एकदम सलाद है, उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, ये हमारा पास्ता तैयार हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो अपने घर पे बनाए, अपने बच्चों को खिलाए। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनका अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा स्वागत करता हूं। वो हमारी फैमिली के जैसे है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नया लेके आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया होगा, जो नए लोग देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।